फ्रेंड्स फ्रेंड्स लास्ट क्लास हमने वॉइड्स पढ़े थे कि आखिर कैसे पैकिंग कैसे एटम अरेंज होता है और उनमें किस किस टाइप के वॉइड्स होते हैं और वो कितने रेडियस रेशियस होने की वजह से वो वॉइड्स का फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने सीखा था पहले। ठीक है ना, अब हम जो सीखते हैं वो इस तरीके से समझो। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लोज्ड पैकिंग इन क्रिस्टल, ठीक है। तो आखिर किसी भी क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग होता किस तरीके से? वॉइड्स तो ये तो हमने सीखा भैया, क्लोज पैकिंग होता है तो वॉइड्स किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, अब आखिर ये वॉइड्स, ये जो भी हमने एफसीसी बना, बीसीसी बना, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बने, तो वो आखिर बनते किस तरह किसी क्रिस्टल में, तो वो हम सीखेंगे एक एक तरीके से लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट। ठीक है, तो पहला होता है 1D पैकेजिंग। पहला होता है 1D पैकेजिंग। ठीक है, बेसिकली 1D पैकेजिंग तो कोई होता नहीं है, आपको पता है अराउंड द लाइन बॉल्स को आप टच करते जाइए। हालांकि मैंने आपको बताया था, बट वो मैंने आपको 2D बताया था, 3D में हमने डिस्कशन नहीं किया था। अब हम एक एक करके 1D, 2D, 3D फिर से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो जब मैंने ये आपको बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि भाई कितने डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स बन सकते हैं। ठीक है, अब हम जो हमने, क्योंकि मैंने बताया 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होता है, जिसमें भी आपको दो ही क्रिस्टल सिस्टम आपको पढ़ना है, एक होता है क्यूबिक क्लोज क्यूबिक सिस्टम और एक हेक्सागोनल सिस्टम। तो आपको बस यहीं पे पढ़ना है कि 3D पैकेजिंग में क्यूबिक सिस्टम में क्या कैसे बनता है, उसमें भी तीन तीन टाइप होते हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ठीक है, और एचसीपी। तो ये आप कैसे बनते हैं ये हम एक एक करके सीखेंगे। तो पहले 1D पैकेजिंग क्या होता है? अलोंग वन पैक, अलोंग वन लाइन, अलोंग वन लाइन, ठीक है, मतलब कुछ नहीं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, 2R। तो जब भी दो एटम एक दूसरे टच करते हैं तो टोटल डिस्टेंस 2R होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 2D पैकेजिंग की, 2D पैकेजिंग की। ठीक है, 2D पैकेजिंग मतलब क्या होगा? अलोंग द प्लेन, अलोंग प्लेन। देखो 2D पैकेजिंग, ये तो आपने x एक्सिस में एटम अरेंज कर दिए, अब y एक्सिस में एटम अरेंज करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप डायरेक्टली इसके नीचे एटम अरेंज करिए, या तो इन दोनों के बीच में एक एटम अरेंज करिए। ठीक है, तो फॉर 2D पैकेजिंग अलोंग अलोंग हॉरिजॉन्टली और अलोंग वर्टिकली आप अरेंज कर सकते हो, या इसको कंप्रेस करके इस दोनों के बीच में एटम रख सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अब दोनों में अलग अलग सिस्टम फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो पहले फॉर 2D पैकेजिंग वी हैव टू सिस्टम, फॉर 2D पैकेजिंग वी हैव टू ऑप्शन, फॉर 2D पैकेजिंग वी हैव टू ऑप्शन। ठीक है, दो ऑप्शन कौन सा है? पहला, ईच एंड एवरी लेयर इज हॉरिजॉन्टली, पहला है ऑप्शन मेरा, ईच एंड एवरी लेयर इज हॉरिजॉन्टली horizontally and vertically aligned, and vertically and vertically aligned। ठीक है, ठीक है, कैसे कहने का मतलब कैसा, जैसे मान लो पहला लेयर तो मैंने इस तरीके से बिछाया, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसके जस्ट नीचे मैं एटम को बिछा रहा हूं। ठीक है, इसके जस्ट नीचे,
एक तरीके से आपको क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करने को मिल रही। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, एससीसी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग या बॉडी सेंटर क्लोबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर क्लोज पैकिंग, ये आपको कभी दिखते नहीं है, ठीक है? आपको दिखेंगे एटम ही, आपको उसी में से इमेजिन करना है। तो आप देखो, अगर यहाँ से इमेजिन करो, तो अगर मैं इसके सेंटर को जोड़ू, इसके सेंटर से इसको और इसके सेंटर, तो आपको क्या दिख रहा है? एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिख रहा है। मतलब ये आपको कैसा है, ये है स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है? और बेसिकली ये किस टाइप का पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। ये क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों क्यों स्क्वायर क्लोज पैकिंग मैंने नाम दिया, देखो इसमें हर रिपीटिंग पैटर्न कैसा है, स्क्वायर जैसा ही। इसके लिए यहाँ पे कौन सा टाइप का फॉर्म हो रहा है, स्क्वायर यूनिट सेल फॉर्म हो रहा है। कौन सा फॉर्म हो रहा है, स्क्वायर यूनिट सेल। और बेसिकली ये कौन से टाइप का प्रिमिटिव है, देखो क्या ये प्रिमिटिव है। देखो ऐसा तो इनफाइनाइट एटम अरेंज्ड है, उसी में हमें देखना कि कौन कौन सा पैटर्न बन सकता है। एक स्क्वायर पैटर्न है, दूसरा पैटर्न कौन सा है, ये दूसरा पैटर्न आपका देखो, ठीक है? ये भी मेरा कौन सा है, ये भी मेरा है एसयूपी है, ये भी एसयूपी है, बट ये नॉन प्रिमिटिव है। कौन सा है, ये नॉन प्रिमिटिव है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, देखो एक एटम अपने लेयर में दो एटम को टच कर रहा है और ऊपर नीचे एक एक एटम को टच कर रहा है। देख लो आप, हर एटम अपने लेयर में दो एटम को टच करता है, ऊपर नीचे एक एक एटम को टच करता है। इसका मतलब टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है? तो याद रखना 6 8 12 हमेशा 3D पैकेजिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है? मैक्स टू मैक्स 2D पैकेजिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, ठीक है? 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि आपको सब अगर हेक्सागोनल वही बनता था, ये हो सकता है हेक्सागोनल भी बन सकता है, ठीक है? अभी तो फिलहाल अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे, बट हेक्सागोनल भी बन सकता है। तो याद रखना 6 हाईएस्ट होता है किसी भी 2D पैकेजिंग में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हाईएस्ट होता है, याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है? तो मैं इनके बारे में लिख देता हूँ, ठीक है? क्या है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में, देखो कभी कभी क्या होता है ना, जेईई नीट में इनसे थ्योरेटिकल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग पहली बात तो बनेगा कब भैया, जब एक लेयर आपने रेस्ट कर दिया और जस्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइंड एटम आपने किया। देखो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एटम आपने एटम को अरेंज किया, तो उस तरीके से जो पैकेजिंग फॉर्म होता है वो मेरा कौन सा था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग फॉर्म होता है, ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग इज नोन एज एससीपी, इज नोन एज एससीपी बिकॉज रिपीटिंग यूनिट सेल, बिकॉज रिपीटिंग यूनिट सेल, बिकॉज रिपीटिंग यूनिट सेल इन द क्रिस्टल इज स्क्वायर, इन द क्रिस्टल इज स्क्वायर। क्यों स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला, क्योंकि रिपीटिंग यूनिट सेल मेरा कौन सा है, स्क्वायर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इज स्क्वायर। स्क्वायर भी दो टाइप के, प्रिमिटिव एज वेल एज, प्रिमिटिव भी बन रहा है एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव भी बन रहा है, प्रिमिटिव एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव बन रहा है, ठीक है? सेकंड पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें कौन से वॉइड फॉर्म हो रहा है, देखो स्क्वायर वॉइड फॉर्म हो रहा है। आपको मेरे वॉइड बताए थे, 3 टाइप के वॉइड होते हैं, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक, 5 टाइप के वॉइड होते हैं। इसमें कौन सा वॉइड फॉर्म हो रहा है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि देखो है तो ये प्लेनर ही ना, है ये प्लेनर, इसमें इसलिए इसमें प्लेनर वॉइड ही फॉर्म होगा। वो प्लेनर वॉइड में कौन सा वॉइड फॉर्म होगा, स्क्वायर प्लेनर वॉइड फॉर्म होगा। तो वॉइड फॉर्म इन दिस प्लेन, वॉइड फॉर्म इन दिस प्लेन इज स्क्वायर प्लेनर वॉइड। कौन सा वॉइड है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड फॉर्म होगा, ठीक है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्क्वायर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्क्वायर इज 4, 4, ठीक है? नेक्स्ट इसका पैकिंग एफिशिएंसी, देखो
तो हर अरेंजमेंट का आपको क्या करना, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी, कौन सा वॉइड फॉर्म होता, यही सब बातें आपको याद रखनी हर पैकेज में। तो पैकिंग एफिशिएंसी में क्या होगा, देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो पहले तो आप ये समझो कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा। तो इसका लेंथ कितना है, 2R है, तो इसका मतलब मैं डिवाइडेड बाय का, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब 2R का होल स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट सेल का एरिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ एटम का, तो यहाँ पे कितना एटम कंबाइंड हो रहा है, 1/4 एटम कंबाइंड है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और टोटल मिला के नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल मिला के जेड इफेक्टिव इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 ही एटम का पार्ट इस स्क्वायर यूनिट सेल के अंदर आ रहा है कॉर्नर पे। और नहीं समझ में आए तो समझो बात को, स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, और कॉर्नर पे अगर कोई एटम होगा तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्नर के लिए कितना होगा, 1/4 होगा। क्यूब में कितना 8 होता था, तो कॉर्नर वाले एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता था पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए, 1/8 होता था। तो वैसे ही कॉर्नर के पॉइंट से याद रखना कि 4 कॉर्नर का कोई आपका पॉइंट है और कॉर्नर का कोई एटम है, तो उसका एट पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए कितना होगा कंट्रीब्यूशन, 1/4, और 1/4 टोटल कितने एटम है, 4, 1/4 × 4 1 होगा, और πr² × 100 मतलब पाई बाय r² कैंसिल हो जाएगा, πr² × 100 हो जाएगा, πr² × 100, ठीक है। तो नाउ एग्जैक्टली आ जाता है 78.25% इसकी क्या रहती है, पैकिंग एफिशिएंसी रहती है, कितनी रहती है 78.25% पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी, ठीक है। और अब इसी को अगर मैंने 3D पैकेजिंग किया तो ये आपको कौन सा पैकेजिंग देता है, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जनरेट करता है या बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जनरेट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दिस अरेंजमेंट व्हेन रिपीटेड इन 3D, व्हेन रिपीटेड इन 3D गिव्स, व्हेन रिपीटेड इन 3D गिव्स राइज टू SCC और BCC। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछे कि अगर स्क्वायर यूनिट सेल को आपने 3D पैकेजिंग में किया, मतलब उसी पैटर्न को आपने स्क्वायर में, अब 3D पैकेजिंग कैसे बनेगा, ये पहला लेयर है, इसके ऊपर मैं दूसरा लेयर कर दूंगा, इसके ऊपर मैं तीसरा लेयर कर दूंगा, तो ऑब्वियस बात है 3D पैकेजिंग नहीं होगी आपके, 1D 2D और इसके ऊपर एक कर दूंगा तो 3D। तो 3D यूनिट सेल में आपको कौन सा पैटर्न मिलता है, इसमें आपको मिलता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। नाउ सेकंड ऑप्शन आपके पास, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं एटम को, ये तो आपको समझ में आ गया, जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइंड एटम को अरेंज करते तो मुझे क्या क्या मिलता है, क्या पैकिंग एफिशिएंसी होती है। मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसे अरेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं एटम को कंप्रेस कर रहा हूँ, मैं इन दो एटम के बीच में इसको अरेंज कर रहा हूँ, इस दो एटम के बीच में अरेंज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मतलब अल्टरनेट लेयर्स आर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइंड, ठीक है। ऑप्शन टू आपके पास क्या होगा, ऐसे नहीं करके, ये ऑप्शन वन था, दिस वॉज योर ऑप्शन वन, बेसिकली ऑप्शन वन था ये, ठीक है। और ऑप्शन टू क्या है, अल्टरनेट लेयर्स आर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अलाइन, एंड वर्टिकली अलाइन, ठीक है। जैसे ठीक है, अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, माफ करना थोड़ी ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट एडजस्ट कर दो, ठीक है। इसको यहाँ पे रखा मैंने, देखो इस तरीके से आपका एटम बनाना है कि आपका ट्रायंगुलर वॉइड बनना चाहिए, कौन सा वॉइड बनना चाहिए, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। मेरा तो फिर काफी पचका हो गया है, तो बट आप देखो यहाँ पे
एक अल्टरनेट लेयर हॉरिजेंटली है, मतलब देखो ये हॉरिजेंटली अलाइंड है, ठीक है, ये और ये एक लाइन में है, ये और ये एक लाइन में, ठीक है, तो मतलब अल्टरनेट लेयर हॉरिजेंटली अलाइंड होता है तब इसको, क्योंकि देखो मैंने ऐसे नहीं अरेंज करके इसको ऐसे अरेंज किया है, ठीक है। अब इसमें जो वॉइड्स बनते हैं किस टाइप के वॉइड्स, दो टाइप के वॉइड बनते हैं, एक हो रहा है अपर ट्राइंगुलर वॉइड बन रहा है और एक लोअर ट्राइंगुलर वॉइड बन रहा है। गौर से देखो, एक अपर ट्राइंगुलर वॉइड बन रहा है, एक लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर वॉइड मतलब कैसे बनेगा, जब दो एटम सेम लेयर पे होंगे और तीसरा एटम नीचे लेयर पे लिखो सेकंड लेयर पे होगा, और लोअर ट्राइंगुलर कब बनेगा, जब एक एटम अपर लेयर पे होगा और दो एटम बॉटम लेयर पे होंगे, तब ये क्या बनता है मेरा, लोअर ट्राइंगुलर वॉइड बनेगा। आई बात समझ में, यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई, चलो ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम जो होता है, देखो ये बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ, 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 तो देखो ये कैसा बन रहा है, ये कैसा यूनिट सेल प्रोड्यूस कर रहा है, हेक्सागोनल यूनिट सेल प्रोड्यूस कर रहा है, इसका कैसा यूनिट सेल प्रोड्यूस कर रहा है, हेक्सागोनल यूनिट सेल प्रोड्यूस कर रहा है, आई बात समझ में। और यहाँ पे कौन सा वॉइड बन रहा है, ट्राइंगुलर वॉइड बन रहा है, कैसा वॉइड बन रहा है, ट्राइंगुलर वॉइड, उसमें भी दो टाइप के, एक अपर वाला बन रहा है, एक लोअर वाला बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कैसा कैसा यूनिट सेल मुझे मिलेगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में इसी को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट सेल कौन सा है, हेक्सागोनल है, जो आपको दिख दे रहा होगा, ठीक है। बस आपको उसने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको वही चार बातें समझनी कि सब ऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे टोटल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी, बस ये सब इसमें समझना है हमें। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दिस टाइप ऑफ नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज नथिंग बट एससीपी, दैट इज नथिंग बट एससीपी, बिकॉज रिपीटिंग यूनिट सेल, रिपीटिंग यूनिट सेल इज हेक्सागोनल इन शेप, ठीक है। हेक्सागोनल क्यों, क्योंकि रिपीटिंग यूनिट सेल मेरा कैसा है, हेक्सागोनल नेचर का, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे एक बना दे रहा हूँ, ठीक है, इस बार मैं दूसरे कलर से करता हूँ, ऐसा 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 ठीक है, हेक्सागोनल जैसा बन रहा है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, देखो इधर बात को थोड़ा, अब इसमें कुछ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अब कौन से वर्ड्स, सारे के सारे वर्ड्स किस टाइप के, ट्राइंगुलर वर्ड्स हैं, ठीक है, और एक कैसे बन रहे होंगे, बाय टचिंग थ्री थ्री स्क्वायर, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये होगा हेक्सागोनल शेप के लिए कि ऑल द वॉइड्स फॉर्मड इन द अरेंजमेंट, ऑल द वॉइड्स फॉर्म इन द अरेंजमेंट, ऑल द वॉइड फॉर्मड इन द अरेंजमेंट, ऑल द वॉइड फॉर्मड इन द अरेंजमेंट आर ट्राइंगुलर प्लेनर, आर आर ट्राइंगुलर प्लेनर बिकॉज फॉर्मड बाय टचिंग थ्री स्फेयर, तीन स्फेयर को टच करने पे ट्राइंगुलर वॉइड फॉर्म होता है, ठीक है। ईच स्फेयर, अब दिस इसके अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, हर स्फेयर कितने स्फेयर को टच कर रहा है, छह स्फेयर को टच कर रहा है, कैसे कैसे, दो अपने लेयर में, दो नीचे वाले लेयर में और दो ऊपर वाले लेयर में, ठीक है। तो ईच स्फेयर टचिंग सिक्स अदर स्फेयर,
इज स्फीयर टचिंग सिक्स अदर स्फीयर टू इन द सेम प्लेन टू इन द सेम प्लेन टू इन द सेम प्लेन एंड टू इन द अपर एंड बॉटम प्लेन एंड टू इन द अपर एंड बॉटम प्लेन अपर एंड बॉटम प्लेन में टच करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे दो तीन पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अगर मैं इसके पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं ईटा, ठीक है, तो ऐसे समझो बात को, एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ठीक है, बात को समझना। ठीक है, सबकी लेंथ कितनी होगी, टू आर। तो जब तीनों की लेंथ होती है और वो जो ट्राइंगल फॉर्म होता है उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं आपके पास ऐसे कितने यूनिट कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, इक्विलेटरल आपके पास टोटल ट्राइंगल, मैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, तो 6 होंगे और सब और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना है, √3/4 a स्क्वायर साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना है यहां पे 2r स्क्वायर है, 2r का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करूं मैं, तो वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करूं तो देखो यहां पे क्योंकि कॉर्नर 6 है तो आपको बस सिंपल सा कॉर्नर वाला कांसेप्ट समझना है कि अगर टोटल कॉर्नर 6 है और एक कॉर्नर का और टोटल ही एटम आपके कॉर्नर पे बसे हुए हैं तो सबका कंट्रीब्यूशन उसके लिए कितना होगा, क्यूब वाले के लिए 8 कॉर्नर था और 8 समझो बात को 8 कॉर्नर वाले अगर किसी उसमें ज्योमेट्री में 8 कॉर्नर वाले के लिए अगर एटम कॉर्नर पे बसा हुआ तो उस यूनिट सेल के लिए पर्टिकुलरली कितना होता था उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता क्योंकि 8 कॉर्नर था। तो वैसे यहां पर 6 कॉर्नर वाले एटम 6 कॉर्नर पे अगर मेरे एटम प्रेजेंट है उसका टोटल कंट्रीब्यूशन कॉर्नर वाले के लिए कितना होगा 1/6 होगा। ठीक है, तो 1/6 तो 1/6 हो जाएगा इनटू 6 1/6 इनटू 6 प्लस एक सेंटर में जिस जो अनशेयर्ड है तो प्लस 1 तो 1/6 इनटू 6 1 और प्लस 1 2 तो 2 टोटल एटम हो जाएगा जिसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर कितना है मेरा पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में नहीं सॉरी माय मिस्टेक और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक मिनट ऐसे नहीं सॉरी माय मिस्टेक थोड़ी गलती हो गई मेरे से कैसे जैसे देखो यहां पे अगर मैं एंगल वाइज सोचूं एंगल वाइज ये एंगल कितना होगा वो ये एंगल होगा मेरा 120 डिग्री कितना होगा 120 डिग्री एंगल होगा मेरा 120 डिग्री थ्री पार्ट में डिवाइडेड इसके लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ देखो टोटल 120 डिग्री है तो मतलब इसका 1/3 पार्ट इस कॉर्नर पे और ऐसे कितने एटम है कॉर्नर पे 6 एटम तो 6 into 1 by 3 प्लस एक कॉर्नर पे एटम है तो टोटल कितने एटम हो जाएंगे आपके पास 3 हो जाएंगे। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि समझो इस कॉर्नर पे एंगल 120 डिग्री है तो इस एटम का कंट्रीब्यूशन इसके लिए कितना हुआ 1/3 हुआ तो टोटल आपके पास एटम कितना हुआ टोटल एटम आपके पास है हाँ 1/6 तब होता था ना कि जब ये एक और ऊपर में आता था मान लो एक और हेक्सागोनल ऊपर में तो आधा इसके पास चला गया आधा ऊपर वाले के पास तो 1/3 का आधा कितना हो जाएगा 1/6। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट जो होगा कॉर्नर वाला कि जितना कॉर्नर उतना है उतना ही कंट्रीब्यूशन 1/1 कंट्रीब्यूशन हो जाता है तो वो कॉन्सेप्ट लगता है 3D में जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं क्यूबिक में क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। वैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर इसका भी SCP में 3 लेयर में बात करूं तो ये भी 3D डायमेंशन हेक्सागोनल वाला होता है ना हेक्सागोनल वाला जो 3D ज्योमेट्री होगा उसमें भी अगर एक कॉर्नर पे एटम रखा हो तो उसका कंट्रीब्यूशन एसटीपी के लिए कितना होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D के लिए 1/6 हो जाएगा। तो सेम चीज मैं आगे बताऊंगा अभी आपको तो फिलहाल के लिए समझना क्योंकि ये 2D है 120 डिग्री है तो पर्टिकुलर इस एटम के लिए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर यही एटम एक और ऊपर में लेयर है तो आधा इसमें चला जाता था आधा ऊपर वाले पे चला जाता तो 1/6 होता था।
आई बात समझ में, तो इसका कितना हो जाएगा 3 into pi r square, r square क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, into 100 हो जाएगा, तो इसके मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा pi by 2 root 3 into 100, तो that is nothing but 91%। तो आप देख रहे होंगे क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ते पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और यही अरेंजमेंट जो अब आप समझो, अगर आपको मोस्ट पैकिंग एफिशिएंट वाला यूनिट सेल बनाना होगा तो बेस आप कौन सा लोगे, ऑप्शन वन वाला बेस लोगे या ऑप्शन टू वाला बेस लोगे? ऑब्वियस सवाल है हम ऑप्शन टू वाला बेस लेंगे, क्योंकि किसी बिल्डिंग की जितनी नींव ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी बिल्डिंग उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो वैसे ही तो मुझे अब मुझे पता हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी कौन शो करता है, FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल शो करते हैं या हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल शो करते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट अगर मैं 3D में रिपीट करूंगा तो मुझे कौन सा पैटर्न मिलेगा, कौन सा यूनिट सेल जनरेट करेगा, CCP FCC की बात होती है या SCP जनरेट करेगा। आई बात समझ में, तो लिख देता हूं दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। When repeated in 3D, gives rise to hexagonal closed packing, and cubical closed packing. Cubical closed packing की बात करो या FCC की बात करो, एक ही बात होती है, cubical closed packing, ठीक है, जिसको हम CCP भी कहते हैं। ये होता है SCP और ये CCP। 3D में हमेशा मुझे क्या मिलता है, यही चीजें मिलती है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, तो ये था हमारा कौन सा 2D पैकिंग। 1D पैकेजिंग हमने सीखा, 2D पैकेजिंग सीखा, अब हम क्लोज पैकिंग इन 3D सीखेंगे एक एक करके, ठीक है। चलो तो मैंने अब आपको क्या करना है, लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट करना है। सपोज करो आपने एक बॉक्स लिया, ठीक है, उसमें लड्डू क्या होता है, पहला वो मिठाई दुकान में आपने देखा होगा जब लड्डू का अरेंजमेंट करता है तो पहला लेयर बिछा देता है, उसके बाद वो दूसरा लेयर बिछाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखो पिरामिड शेप का आपको मिल जाता है, 3D ज्योमेट्री मिलता है। उसी तरीके से तो पहला लेयर बनाने का दो तरीका, तो ऑप्शन वन और ऑप्शन टू, तो हम जो पढ़ेंगे वो ऑप्शन टू ही लेके चलेंगे, ऑप्शन टू हम लेके चलेंगे, जिससे मेरे क्या होगा एक अलग ज्योमेट्री मिलेगी, क्योंकि पहला वाला लेयर, पहला ऑप्शन से अगर आप लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट करते हो तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है और बॉडी सेंटर, खैर वो हमें नहीं पढ़ना है और वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट खैर वो हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वन बाय वन आप अरेंजमेंट करते हो तो सिंपल सा क्यूब आपको बनेगा। आप इमेजिन करो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, आपको कैसा पैटर्न मिलेगा, क्यूब जैसा पैटर्न मिलेगा, वो या तो सिंपल क्यूबिक हो गया तो बॉडी सेंटर होगा। डिफिकल्ट कब आएगा, जब इसको लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट करोगे तब 3D में एक आपका बनता है हेक्सागोनल और एक आपका जो बनता है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनता है फेस सेंटर। अब ये कैसे 3D बनते हैं ये हमारे सिलेबस में और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो यही चीज हमें सीखनी है यहाँ पे। बेस एरिया हमेशा किसी भी बिल्डिंग बनाने के लिए बेस एरिया आप हमेशा मजबूत लोगे, तो आप हमेशा कौन सा प्रेफर करोगे, बेस, सेकंड ऑप्शन वाला, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं पहला लेयर, क्योंकि आपको लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट करना है, तो फर्स्ट लेयर जो आपका होगा, फर्स्ट लेयर, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इट इज नेम्ड एज ए लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, ए लेयर बोलते हैं, इट इज नेम्ड एज ए लेयर, इट इज नेम्ड
पहला लेयर जो मैंने बनाया था तो दो ऑप्शन थे, ऑप्शन वन वाला कौन सा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ऑप्शन टू वाला कौन सा था आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम, एससीपी सेलेक्ट करेंगे, वी विल सेलेक्ट एससीपी, वी विल सेलेक्ट एससीपी। आई बात समझ में? ठीक है, अब समझो बात को, यहाँ पे बात है देखो, यहाँ पे कौन सा ये वाला वॉइड कब बन रहा है, देखो लोअर ट्रायंगुलर वॉइड है तो ये कब बनेगा जब ऊपर में एक स्क्वायर होगा नीचे में दो स्क्वायर होगा, ठीक है, और अपर ट्रायंगुलर वाला कब बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर वाला जब ऊपर में दो स्क्वायर हो नीचे में एक स्क्वायर हो। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे अब दो टाइप के हैं, ठीक है, जैसे इसको मैं बोल देता हूँ अपर, इसको लोअर, तो यहाँ ये और ये, देखो अपर ट्रायंगुलर लॉयर को मैं किससे बोल रहा हूँ, अपर ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, डॉट से डिनोट कर रहा हूँ, क्रॉस और किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं, लोअर ट्रायंगुलर वॉइड, लोअर ट्रायंगुलर वॉइड से डिनोट कर, अपर ट्रायंगुलर वॉइड और लोअर ट्रायंगुलर वॉइड, तो देखो हर अल्टरनेट में क्या बन रहा है, एक बार अपर बन रहा है, एक बार लोअर बन रहा है, अपर बन रहा, लोअर बन रहा, अपर बन रहा, लोअर बन रहा, अपर बन रहा, लोअर बन रहा, अल्टरनेट बन रहा, और दो अपर लेयर वाले का डिस्टेंस हमेशा कितना होगा, 2r होगा, देखो दो लोअर दो अपर लेयर का कितना डिस्टेंस होगा, 2r होगा, और एक लोअर और एक अपर का डिस्टेंस कितना होगा, r होगा, एक लोअर और एक अपर का डिस्टेंस कितना होगा, r होगा। तो आई बात आपको समझ में? तो ठीक है, आप तो यहां पर मैं लिख देता हूं आफ्टर प्लेसिंग अ लेयर, ठीक है, आफ्टर प्लेसिंग ए लेयर बिछा दिया मैंने, ठीक है, ए लेयर बिछा दिया, ऑल द वॉइड्स फॉर्म्ड आर ट्रायंगुलर वॉइड्स, all the voids are formed by triangular void and they are of two type, and they are of two type, ek hoga upper aur ek hoga kya lower, theek hai, and they are of two type, theek hai, ek hoga dot aur ek hoga cross, theek hai, upper layer mein ye kab banega, upper dot wala kab banega jab do upper mein aur ek lower mein, cross wala kab banega jab ek upper aur do niche ho, aayi baat samajh mein, ye mera first layer taiyar ho gaya, theek hai, ye humne एक लेयर तैयार कर दिया, अब हम सेकंड लेयर के जनरेट कर रहे हैं, किसको जनरेट कर रहे हैं, सेकंड लेयर को, ठीक है, तो समझना बात को ध्यान से, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, पहला लेयर ए लेयर, तो दूसरा लेयर हमारा क्या होगा, बी लेयर होगा, ठीक है, और ये कब बनेगा, अब याद, अब आप इसके ऊपर तो आप नहीं रख सकते, आप हमेशा किसके ऊपर रखोगे, इनके बीच के ऊपर रखोगे, ट्रायंगुलर वॉइड्स को भरने पर जो लेयर जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर बी लेयर बोलते हैं, तो पहले मैं लिख देता हूं उसके बारे में, इट इज नेम्ड एज बी लेयर एंड इट इज प्लेस्ड इन द ट्रायंगुलर वॉइड एंड इट इज placed in the triangular void, it is placed in a triangular void of first layer,
आपका बिलियर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एंड इट इज आवर लिमिटेशन दैट एंड इट इज आवर लिमिटेशन दैट एंड इट इज आवर लिमिटेशन दैट वी कैन कवर ओनली वन, वी कैन कवर ओनली वन टाइप ऑफ वॉइड, वन टाइप ऑफ वॉइड, ठीक है। एक ही वॉइड का आप कर सकते हो, या तो डॉट या तो क्रॉस, ठीक है, आइदर डॉट डॉट और क्रॉस, दोनों में से आप, ठीक है। अब आपके पास इसको कवर करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप डॉट को कवर करोगे या तो आप क्रॉस को, आप एक यहां पे रख दो तो आप यहां पे नहीं रख पाओगे। आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैंने एक बड़ा सा यहां रख दिया तो आप यहां क्रॉस वाले को कभी भी आप नहीं भर पाओगे। तो या तो आप डॉट को कवर करो तो क्रॉस छोड़ दो, अब क्रॉस को कवर करोगे तो डॉट वाले छोड़ दो, ठीक है। तो कवरिंग एनी टाइप ऑफ वॉइड, कवरिंग एनी टाइप ऑफ, कवरिंग एनी टाइप ऑफ वॉइड void will not affect the efficiency, will not affect the efficiency, will not affect the efficiency। और एक बात है, आप किसी को भी कवर करो efficiency में कोई changes नहीं आएंगे, ठीक है। covering any one type of void will not affect the efficiency, second layer is also same in both arrangement, second layer is also same in both arrangement। कहने का मतलब है, अगर मैं second layer, आपको देखो दो टाइप के लेयर बनेंगे, एक ABAB लेयर बनेगा और एक बनेगा ABCABC, ठीक है। तो दो ही टाइप के आपके बेसिकली पैकेजिंग हो, एक होता है ABAB पैकेजिंग होता है, एक होता है ABCABC पैकेजिंग, ठीक है। ABA फिर ABA, ABCABC, कहने का मतलब ये पहला लेयर A है, सेकंड लेयर B है। तो देखो दोनों टाइप के पैकेजिंग में सेकंड लेयर सेम आ रहा है, तो कहने का मतलब आप चाहे डॉट भरो और क्रॉस भरो, डॉट भरोगे तो हो सकता है आपका ABA भी बन जाएगा, क्रॉस भरोगे तो हो सकता है आपका तीसरा लेयर जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप चाहे किसी को भी पैकेजिंग करो, सेकंड लेयर कॉमन रहता है दोनों में, फर्स्ट और सेकंड लेयर क्या रहेंगे दोनों पैकेजिंग में, क्या रहता है हमेशा कॉमन रहता है। तो डिफरेंस कहां से आता है, तीसरे लेयर पे। अभी तीसरा लेयर कैसे डिफरेंट होता है, किसको किसको कवर करने से तीसरा लेयर डिफरेंट होता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। अभी जस्ट हम कवर करने वाले कैसे, समझे बात को। ये डॉट हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये डॉट हो गया, ये क्रॉस हो गया,
मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट वाले को भर रहा हूँ, समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट वाले को भर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट वाले को भर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है। तो देखो, अगर मैं एक टेट्राहेड्रल वॉइड को भर रहा हूँ, ठीक है, तो दूसरा दूसरा ऑटोमेटिकली क्या जनरेट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट कर रहा है। कैसा जनरेट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जनरेट कर रहा है। देखो ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा ये, क्योंकि देखो तीन नीचे और एक स्फीयर ऊपर है, तो यहाँ पे कौन सा जनरेट हुआ, ये वाला जनरेट कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसा जनरेट कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट कर रहा है, और ये वाला कौन सा जनरेट कर रहा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जनरेट कर रहा है। तो देखो दो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने पे एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड दुगना होता है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। तो रेशियो क्या होता है इनका, 2:1 का, दो टेट्राहेड्रल वॉइड को बनने पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो दिख रहा है आपको, ये दो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। आई बात समझ में? तो अब हम बात करते हैं थर्ड लेयर की। ये तो हमारी बात थी किसके, सेकंड लेयर की। तो थर्ड लेयर की हम बात करते हैं, ठीक है। थर्ड लेयर, अब आप क्या हो सकते, देखो इसको तो कवर नहीं कर सकते क्योंकि बॉल के ऊपर बॉल तो रखना पॉसिबल नहीं है। तो या तो आप एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे, तो यहां पे क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। तो एक स्फीयर नीचे और तीन स्फीयर ऊपर है, तो या तो आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करो या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करो। फॉर बेसिक आपको अगर अच्छे से समझना, तो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। अगर आपको मैं पैकेजिंग दिखा सकूँ तो ये अच्छी बात है, क्योंकि गड़बड़ डायग्राम तो थोड़ा गड़बड़ा चुका है। यहाँ पे डॉट वाला अपर ट्रायंगलर वॉइड है, देखो अपर ट्रायंगलर वॉइड को कवर करना चालू किया, तो मेरा एक टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहा है। दो टेट्राहेड्रल वॉइड को जनरेट करने से, अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो देखो दो टेट्राहेड्रल वॉइड को जनरेट करने से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। तो अगर मैंने इसको भी जनरेट किया, तो आपके पास अब दो ऑप्शन है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, यहाँ पे देखो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड दो टाइप के बन रहे हैं, एक तो बन रहा है जो तीन ऊपर में होंगे, एक नीचे में होगा, और एक क्या हो रहा है, एक बन रहा है आपका। देखो यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करो, तीन नीचे होंगे एक ऊपर होगा, और दूसरा वाला बनेगा तीन ऊपर होंगे एक नीचे होंगे। तो आप गौर से देखो, ये वाला जो टेट्राहेड्रल कैसे बन रहा है, तीन नीचे है और एक ऊपर में है, और ये वाला टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बन रहा है, तीन नीचे है और एक ऊपर है, दूसरा वाला भी आपका बन रहा। हाँ ये वाला टेट्राहेड्रल देखो, अगर आप इस पे गौर करोगे, इस वाले पे गौर करोगे, तो इसमें कैसे बन रहा है, तीन नीचे है और एक ऊपर में है ना। और ये वाला जो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा बन रहा है, एक ऊपर में और तीन नीचे में। तो ठीक है, अब इसका मतलब आपके पास दो टाइप के वॉइड बने, अब या तो आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखोगे या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखोगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन, देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, तीन ऊपर में एक नीचे में, तो कोई ना कोई दो वॉइड जरूर बनेगा। तो या तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर सकते हो या तो आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है ना, तो मतलब ये कैसा बन रहा है, तीन ऊपर में एक नीचे में, तो या तो आप इसके ऊपर बॉल रखोगे या तो आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर बनोगे। तब तीसरे लेयर में थोड़े चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आफ्टर प्लेसिंग द सेकेंड लेयर, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आफ्टर प्लेसिंग अ सेकेंड लेयर All the voids are converted into tetrahedral
देखो जब सारे वर्ड्स को कवर कर देंगे तो दो टाइप के वर्ड आपको जनरेट, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। इन विच ट्रायंगुलर वर्ड्स इन विच स्फीयर इज प्लेस्ड, ठीक है। टेट्राहेड्रल का बनेगा ट्रायंगुलर वर्ड्स जिसमें हमने क्या लिखा, ट्रायंगुलर वर्ड्स इन विच स्फीयर इज प्लेस्ड, स्फीयर इज प्लेस्ड, ठीक है। और इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड और इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन विच ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कब बन रहा था, जब ट्रायंगुलर वर्ड पर हम कोई भी स्फीयर नहीं रख रहे थे, ठीक है। ट्रायंगुलर वर्ड इन विच, इन विच ट्रायंगुलर वर्ड इन विच स्फीयर इज नॉट प्लेस्ड। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो थर्ड लेयर को जनरेट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करूं, ठीक है। ये भी मेरा कैसा है टेट्राहेड्रल वर्ड, ये वाला देखो, ये जो मैं मिटा रहा हूं ना, ये वाला, ये भी आप एक टेट्राहेड्रल वर्ड है और ये एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। तो या तो मैं इसको इस, ये भी टेट्राहेड्रल वर्ड है, ये भी टेट्राहेड्रल, बट ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट और ये डिफरेंट है। ये कैसा बन रहा है, तीन नीचे और एक ऊपर में, और ये कैसा बन रहा है, एक नीचे और तीन ऊपर में, समझ में आया। तो या तो आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर रखोगे या तो आप टेट्राहेड्रल वर्ड पर रखोगे, तो दोनों पे तीसरा लेयर अलग अलग हो जाता है और ज्योमेट्री भी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं फॉर थर्ड लेयर, फॉर थर्ड लेयर, फॉर थर्ड लेयर वी हैव टू ऑप्शन, आइदर वी हैव टू ऑप्शन, आइदर either TV or OV is covered, or OV is covered, either TV or OV is covered, ठीक है। Now option one की अब हम बात करेंगे, option one, ठीक है। option one कौन सा, कि let मैंने tetrahedral word को cover किया तो मेरा क्या generate होता है, तो tetrahedral word are covered, option one में क्या रखा मैंने, tetrahedral void are covered, tetrahedral words are covered, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूं पहले, if TV are covered then it is found that if TV are covered then it is found that, then it is found that third layer is identical to first, third layer is identical to first and second is identical, second is identical to fourth। इसका मतलब क्या है, ए बी ए बी ए बी ए मतलब तीसरा पहले से आइडेंटिकल, बी ए बी मतलब दूसरा चौथे से, तो ए बी ए बी पैकिंग आपको मिलेगी इसमें, कैसा मिलेगा, ए बी ए बी पैकेजिंग मिलेगी आपको, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, इसका मतलब ये होगा कि सो दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग इज नोन एज, सो दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग is known as, this type of packaging is known as AB AB type of packaging, AB 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 type of packaging, AB AB type of which is equivalent to hexagonal close packing, which is equivalent to hexagonal closed packing, which is equivalent to hexagonal closed packing, ठीक है, which is equivalent to hexagonal closed packing, because repeating in itself in the crystal is, because
रिपीटिंग यूनिट सेल, बिकॉज रिपीटिंग यूनिट सेल इन द क्रिस्टल इज इन द क्रिस्टल बिकॉज रिपीटिंग यूनिट सेल इन द क्रिस्टल इज इन द क्रिस्टल रिपीटिंग यूनिट सेल इन द रिपीटिंग यूनिट सेल इन द क्रिस्टल इज हेक्सागोनल इन शेप इज हेक्सागोनल इन शेप। आई बात समझ में? तो ए बी ए बी टेट्राहेड्रल बॉडी को कवर करने पर क्या मिलता है? ए बी ए बी क्लोज पैकिंग मिलता है और ये आपका होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एस सी पी जॉन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप अलाइंड वाले को मतलब लेयर फर्स्ट में ऑप्शन टू चूज करते हो, तो आपको मैंने बोला था ना कि ऑप्शन टू वाला दो दो टाइप के पैकेजिंग जनरेट करता है, एक एससीपी और एक एफसीसी। हाँ, अब एससीपी कैसे जनरेट करता है? जब पहले वाले लेयर में आप टेट्राहेड्रल बॉडी को कवर करते हो, ठीक है, सॉरी सेकेंड लेयर वाले में जब आप टेट्राहेड्रल बॉडी को कवर करते हो तो आपको क्या मिलता है? एससीपी मिलता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एससीपी की। तो बेसिकली होगा कैसा, ये देखो इधर, तो होगा ठीक है, तो पहले लेयर में आपको ये ए लेयर है, ठीक है, बी लेयर में आपको क्या बनेगा? सिर्फ दो बनेगा, फिर तीसरे लेयर में आपको क्या बनेगा? ठीक है, ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 के नीचे 11, 2 के नीचे 12, 3 के नीचे 13, 7 के नीचे 17, 6 के नीचे 16, 5 के नीचे 15 और 4 के नीचे 14। ठीक है, तो 14 एटम से आपका टोटल क्या बनता है? एससीपी बनता है। तो ये कौन सा लेयर हो जाएगा? बी लेयर, और ये आपका कौन सा लेयर हो जाएगा? ए लेयर। तो मैंने ऐसे तीन लेयर में मैंने सिमेट्रिकल आइटम उठाए, तो देखो कुछ हेक्सागोनल जैसा नहीं बन रहा। कैसे नहीं बन रहा? देखो 1 1 2 3 7 5 यहां पे था, 6 यहां पे था और 7, ये मेरा पहला लेयर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है बनाना। ठीक है, तो आप देख रहे हो थोड़ा कैसा बन रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन रही है। आपको मैंने क्या बोला, चाहे एससीपी हो, एफसीसी हो, बीसीसी हो, आपको चार बातें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, उसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, उसके वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है, बेसिकली उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है। ये जेई 2008 में 12 मार्क्स का पैकेज या था 12 मार्क्स का, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो और तीन एटम मेरे कहां रहते हैं? बीच में रहते हैं। ठीक है, तो पहले की मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो देखो अगर मैं फोर नंबर की बात करूं तो अपने लेयर में वो कितने को टच कर रहा है? 6 को। नीचे वाले लेयर में 3, तो ऐसे ऊपर वाले में होगा ए बी, और बी ऊपर में भी होगा,
तो तीन नीचे तीन ऊपर, तो छह और तीन और तीन छह, छह और छह 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो समझ रहे हो बात को, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ऑब्वियस बात है पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, ज्यादा होगी इसकी। तो ईच एंड एवरी स्क्वायर, ईच एंड एवरी स्क्वायर, ईच एंड एवरी स्क्वायर इज टचिंग, इज टचिंग 12 अदर स्फीयर, 12 अदर स्फीयर, ठीक है, 6 इन द सेम, 6 इन द सेम, 3 इन अपर लेयर एंड 3 इन बॉटम लेयर, 3 इन अपर लेयर, 3 इन बॉटम लेयर, आई बात समझ में। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मेरा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करूं मैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं, देखो तो आपके टोटल कॉर्नर पे तो कितने, 6 ऊपर और 6 नीचे, देखो 6 कॉर्नर पे नीचे और 6 ऊपर है, तो 12 तो कॉर्नर पे हो गए आपके, ठीक है, 3 विद इन यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर तो 3 है, ठीक है, और 1 2 एटम आपके कहां फेस सेंटर पे, देखो 2 एटम कहां पे होंगे आपके फेस सेंटर पे होंगे, आई बात समझ में, दो एटम कहां पे होंगे आपके फेस सेंटर पे होंगे, ठीक है, ठीक है, दो एटम आपके फेस सेंटर पे होंगे, आई बात समझे। तो टोटल एटम कितने होंगे आपके पास 17, 17 एटम से बनता है, लेकिन एक्चुअल में जेड इफेक्टिव कितना होगा। अब यहां पे देखो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि देखो ये 120 डिग्री है, ठीक है, तो ऐसा यहां पे भी शेयर्ड होगा, ठीक है, तो 120 120, ठीक है, और एक ऊपर में शेयर होगा, तो ये 1/3 क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, तो आधा होने का मतलब ये है कि 1/3 का आधा कितना होता है 1/6, तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन था, अगर मैं z इफेक्टिव की बात करूं तो 1/6 × 12, ऐसे कॉर्नर पे कितने एटम होंगे, हर एटम का कॉर्नर, सिंपल सी बात समझ, अगर 6 कॉर्नर का कोई है तो हर कॉर्नर के लिए उसका उस एटम का पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/6, और ऐसे कितने एटम है आपके पास टोटल 12 कॉर्नर पे एटम है जिसका हर पे इनका कंट्रीब्यूशन कितना 1/6 है, ठीक है, 3 विद इन यूनिट सेल है जिनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है तो इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, बाकी अगर अब मैं बात करूं, दो फेस सेंटर्ड है, तो आधा ये फेस सेंटर्ड हमेशा कितने में डिवाइड होता है, आधा आधे में डिवाइड होता है, तो ये 2 1/2, तो टोटल जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 6 2 12, 2 3 5 और 1 6 होने होंगे, आई बात समझ में, इज दैट क्लियर, तो जेड इफेक्टिव आपका टोटल कितना होगा 6 होगा, समझ में आया सबको, ठीक है। अगर हम बात करूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, प्रेजेंट इन यूनिट सेल, ठीक है, एक एटम का टोटल वॉल्यूम कितना होता है आपको ये फॉर्मूला पता है, ये 1 4/3 πr³, ये हमने पहले देखा होगा, ठीक है, 4/3 πr³ होता है, और टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम है 6, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो 8 πr³ मेरा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, तो कुछ नहीं, बेस का वॉल्यूम इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट मेरा क्या होगा वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर होगा बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू हाइट ऑफ यूनिट सेल, देखो ये हाइट ही निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस एरिया तो आपको मैंने पहले एससीपी में भी कराया था, बेस एरिया कितना होता है, ये होगा बेस एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, कैसा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा होगा, अरे यार ठीक है, सब कोई 2r 2r लेंथ का है, तो
बेस एरिया तो मैंने पहले निकाल दिया था, बेस एरिया कितना हो जाएगा 6 × √3/4 πr² × √3/4 sorry 2r, साइड एंड कितना मेरा 2r² तो 2r² मतलब 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 26√3 r² ये मेरा क्या आ जाएगा बेस एरिया ऑफ यूनिट सेल। इंपॉर्टेंट क्या है इसकी हाइट निकालना, ठीक है। अब हाइट मतलब कैसा, तो अगर ये हाइट इस एटम से इसकी हाइट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इसको अगर समझाने के तौर पे मैं समझाऊं तो जैसे समझो बात को, जैसे नीचे वाले लेयर में तीन ट्रायंगल मैं तीन पकड़ रहा हूं, ठीक है, और ऊपर में मैं ऐसे, आपने क्या किया था टेट्राहेड्रल बॉडी को तो कवर किया था ना, तो ऐसे समझो बात को, ये नीचे तीन है और नीचे एक होगा, ये हाइट, अगर ये हाइट सेंटर, तो सेंटर मुझे हाइट पता चल जाए, इस स्फीयर का सेंटर मतलब ये जो हाइट होगा ऑब्वियस बात है ये हाइट भी वही होगा, तो इस वॉइड से इस स्फीयर का सेंटर अगर मुझे पता चल जाएगा, इसका मतलब मुझे हाइट ऑफ द सेल पता चल जाएगा, और इसी हाइट को मैं दुगना कर दूंगा तो टोटल हाइट ऑफ द मुझे क्या पता चल जाएगा, एससीपी का यूनिट सेल का हाइट पता चल जाएगा। तो लेट्स से इसका ए सेंटर मानता हूं, इसका बी सेंटर मानता हूं, इसका सी, और इसका कितना मानता हूं मैं एफ, ऊपर वाले स्फीयर का एफ सेंटर मान रहा हूं मैं, ठीक है, ऊपर वाले स्फीयर का एफ सेंटर है। तो मैं अगर ट्रायंगल बनाता हूं लेट एबीसी, एबीसी ऐसा ट्रायंगल बना दिया मैं, उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ट्रायंगल मेरा कैसा हो गया ए बी सी, वो तो समझ ही जाओगे ए बी सी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में एक मैं ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक सेंट्रोइड ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री का सेंट्रोइड, इसको 2:1 के रेशियो में डालेगा, सेंट्रोइड ई है मेरा, 2:1 के रेशियो में करेगा, और ये पॉइंट हो जाएगा बी डी। तो अगर मैं ट्रायंगल बात करूं, ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बी, ये पॉइंट हो जाएगा डी और ये पॉइंट हो जाएगा ए, BDA की बात कर रहा हूँ, ठीक है, BDC की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, BDC की बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये 2R लेंथ का है, ये 2R लेंथ का, और ये भी 2R लेंथ का, ठीक है, और ये लेंथ मुझे पता करनी है ये वाली, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ BCD, ठीक है, BCD BDC की बात कर रहा हूँ, तो BC का लेंथ कितना हो जाएगा मेरा 2R लेंथ है BC का, 2R लेंथ है BC का, और ये एंगल मेरा कितना है 30 डिग्री है, ये एंगल मेरा कितना है 30 डिग्री, हाँ ये एंगल 30 डिग्री है। तो मैं अगर बात करूं cos 30 की, अगर मैं cos 30 डिग्री की बात कर रहा हूं तो cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा, cos 30 डिग्री हो जाएगा मेरा BD BC हो जाएगा, इसका मतलब cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2 BD / BC मतलब 2R, तो दिस और दिस कैंसिल, तो BD का लेंथ मेरा कितना आया √3R आया, √3R मेरा कितना है BD का लेंथ, और मुझे पता है कोई भी अगर ये जो मीडियन मैंने ड्रॉ किया है, इस मीडियन में मैंने अगर सेंट्रोइड डाला तो सेंट्रोइड का क्या प्रॉपर्टी होता है कि इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं लेंथ BE की बात करूं, किसकी BE की, तो BE का लेंथ कितना हो जाएगा 2/3 लेंथ ऑफ BD, तो लेंथ ऑफ BD कितना है मेरा √3R, तो BE का लेंथ हो जाएगा मेरा 2/√3R, B का लेंथ तो मुझे नहीं चाहिए भैया, मुझे लेंथ चाहिए ये वाला, ठीक है। तो अगर आप इमेजिन करोगे, देखो अगर एग्जैक्टली ये स्फीयर इसके ऊपर रहता था ना, तो ये इससे सेंटर का, इसके स्फीयर का सेंटर का जो लेंथ आता था वो 2R आता था, बट ये थोड़ा कॉम्प्रेस्ड है, इसलिए देखो आप इमेजिन करो, इसका मतलब कॉम्प्रेस्ड है ना, तो इसका मतलब ये जो लेंथ अभी हमने निकाली है, ये थोड़ा आपको समझाने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी पे, मुझे ये BE लेंथ नहीं चाहिए, मुझे इसके से, ये तो क्या हुआ, ये हुआ मेरा E, अब ऐसे इमेजिन करो ये तीन स्फीयर है, तीन स्फीयर का सेंटर हो गया ये, और ये जो सेंटर है वो मेरे इसके वॉइड का सेंटर है, ठीक है, मतलब ग्राउंड तक का डिस्टेंस, ग्राउंड तक के लेकर इसके वॉइड तक का सेंटर है, और अगर मैंने एक ये जो सेंटर माना, ठीक है,
ऊपर में मैंने एक स्फीयर माना है, ठीक है, ऊपर ऊपर में जो स्फीयर है मैंने क्या बोला था, इसका सेंटर एफ, ऊपर वाले सेंटर का एफ, तो इसके वॉइड से मतलब ग्राउंड, इस तीनों स्फीयर के ग्राउंड, इस मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगुलर वॉइड मिल रहा है ना, इस ट्रायंगुलर वॉइड मतलब यहाँ पे जो वॉइड है यहाँ तक का डिस्टेंस, इसके स्फीयर, यही तो डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो ये जो मुझे लेंथ मिल जाएगी बी एफ लेंथ, है ना, बी एफ लेंथ तो मेरा कितना हुआ 2r, ई एफ लेंथ मुझे निकालना है, ई एफ, ये लेंथ भी कितना हो जाएगा, बी एफ का जो लेंथ कितना होगा क्योंकि एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ये 2r लेंथ होगा, ई एफ का लेंथ अगर मुझे पता चल गया इसका मतलब मेरा कहानी हो गया। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से, ठीक है। अब मेरे पास ट्रायंगल कौन सा है, मेरे पास ट्रायंगल है बी ई एफ, ठीक है, और बी ई का लेंथ कितना है 2/√3r जो मैंने निकाला है, समझो बात को। अब मैं इसको इस ट्रायंगल को इमेजिन करवा रहा हूं, ये तीन स्फीयर था, इस तीन स्फीयर का जो सेंटर था वॉइड का सेंटर, उसके वॉइड का सेंटर का मैंने इस वाले स्फीयर के सेंटर से इस वॉइड का स्फीयर का लेंथ निकाल लिया मैंने, ठीक है। मुझे मतलब किससे, मुझे मतलब है इसके, ये इसके स्फीयर ऊपर वाले का, जो इसके ऊपर मैंने जो स्फीयर रखा उसके स्फीयर का सेंटर और इसके वॉइड का सेंटर, ये अगर मुझे पता चल गया तो मुझे ओवरऑल क्या पता चलेगा, मुझे हाइट पता चले, इसी हाइट को मैं दुगना कर दूंगा तो ये मुझे लेंथ पता चल जाएगी, टोटल लेंथ पता चल गया, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता चल गया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इस मीडियन को या इसी जो लाइन को मैंने सेंट्रोइड ड्रॉ किया, मतलब एक सेंट्रोइड यहां पे पॉइंट डाला जो 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा और यहां से मुझे ये लेंथ पता चलेगी। अब इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, एक ट्रायंगल और बनाऊंगा, तो वो ट्रायंगल मेरा कौन सा होगा, बी ई एफ वाला, क्योंकि एफ मेरे ऊपर वाले स्फीयर का सेंटर है, एफ मेरे क्या है, ऊपर वाले स्फीयर का सेंटर है। तो बात को समझो, बी एफ का लेंथ कितना होगा, अगेन बी एफ, क्योंकि दो स्फीयर, बी नीचे वाला एफ ऊपर वाला स्फीयर, तो ये एक दूसरे को टच करेंगे तो ये तो 2r लेंथ होगा, और मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम से ई एफ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इसका पाइथागोरस थ्योरम से 2r स्क्वायर बराबर कितना होगा 2/√3r स्क्वायर प्लस ई एफ का होल स्क्वायर, तो ई एफ का जो होल स्क्वायर जो होगा वो आपका एग्जैक्टली कितना मिलेगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बाय 3, 4r स्क्वायर बाय 3 मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8r स्क्वायर बाय 3 अंडर रूट, ठीक है। ef इसको मतलब ef का एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, ef का जो लेंथ आ जाएगा 2√2/3, हां देखो EF का लेंथ है, ये EF का लेंथ है। आप समझ लो, अगर exactly अगर F ऊपर वाला जो स्पेयर अगर ऊपर रहता था तो ये 2R लेंथ आता था, EF का लेंथ कितना आता था 2R आता था, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा दबा हुआ है तो ये दबा होने की वजह से √2/3 का फैक्टर आ चुका है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप दो तीन स्पेयर उसमें तीसरा स्पेयर थोड़ा कंप्रेस्ड है तो कुछ पार्ट का जो स्पेयर है वो वॉइड के नीचे, वॉइड के अंदर थोड़ा वो स्पेयर का पार्ट चला जाएगा। आई होप आपको इमेजिन आ रहा होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू, अगर बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू एससीपी ईएफ कितना हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एससीपी जो सी का जो हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी हाइट हो जाएगा मेरा इसका ट्वाइस, इसका जो मतलब लेंथ में हाइट जो मैंने सी से डिनोट किया, तो ये हो जाएगा 2√2/3r मतलब 4r√2/3। तो ये हाइट ऑफ द यूनिट सेल भी पूछ सकता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द यूनिट सेल इन एससीपी, तो 4r/√3, 4r/√3। तब अब यही क्वेश्चन था मेरे 4 मार्क्स का। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मेरा कितना हो जाएगा, अगेन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मेरा हो जाएगा, बेस एरिया कितना था मेरा 6√3r² * हाइट मेरा कितना है 4r√2/3, 4r√2/3, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा 24√2r³, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। तो इसका जो चौथा पार्ट था पैकिंग एफिशिएंसी मतलब ईटा बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ एटम मैंने कितना निकाला था, वॉल्यूम ऑफ एटम निकाला था 8 pi r³ डिवाइडेड बाय 24√2r³ इनटू 100। दिस कैंसिल, ये भी अगेन 4 मार्क्स का था। तो ये कितना था 5
ईटा बराबर कितना था, पाई पाई बाय थ्री रूट टू, थ्री रूट टू इंटू हंड्रेड, मतलब दैट इज नथिंग बट 74%। ये मेरा ईटा था। देखो एफसीसी और एससीपी का दोनों का पहली क्वेश्चन से हाईएस्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने जेई में क्वेश्चन था 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स में उसने क्या पूछा था, पैकिंग एफिशिएंसी पूछी थी, हाइट ऑफ द यूनिट सेल पूछा था, नंबर ऑफ आइटम पूछा था उसने, ठीक है। तो ये बेसिकली उसने पूछा था जेड इफेक्टिव वगैरह, तो इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में पढ़ा है क्योंकि 12 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंसिव का क्वेश्चन था। नीट वाले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन रिजल्ट को याद रखिए कि हाइट ऑफ द यूनिट सेल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना होगा, आप याद रखिए। अगर आपको पॉइंट नहीं भी समझ में आता एटलीस्ट इनके रिजल्ट याद रखिए। डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में होता है क्या, बेसिक सॉलिड स्टेट में भले इमेजिन करना आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आपको रिजल्ट याद है तो रिजल्ट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप इफ एंड बट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के लिए लेक्चर आज हम यहीं पर डिसकंटिन्यू करते हैं एंड बाकी का लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज रिविजन करते हैं।